वहीं पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पर चल रहे मामले में कोर्ट की सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित हो गई है। दरअसल अपने साथी क्रिकेटर्स के साथ लाइव चैट करते हुए युवराज सिंह की तरफ से मजाकी अंदाज में जाति सूचक शब्द कहे जाने पर हरियाणा के हांसी में मामला दर्ज करवाया गया था। युवराज सिंह पर दलितों पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। बुधवार के समय कम होने के चलते हाईकोर्ट ने सुनवाई 6 अक्टूबर तक टाल दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शिमला दौरा आज से शुरू हो रहा है। हिमाचल सरकार और विधानसभा की तरफ से सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं और अब राष्ट्रपति का इंतजार है। राष्ट्रपति भवन से जारी शेड्यूल के अनुसार आज 12:30 बजे राष्ट्रपति चौड़ा मैदान स्थित होटल सिसिल पहुंच जाएंगे और पहला दिन वहीं गुजारेंगे। अगले दिन 17 सितम्बर को वे 10:45 पर विधानसभा पहुंचेंगे और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम वर्ष 2021 की प्लेग का अनावरण करेंगे। 11 से 12 बजे तक एक घंटा वे विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन से पहले विधानसभा अध्यक्ष वेलकम स्पीच देंगे। फिर 1952 से लेकर अब तक के विधायकों पर प्रकाशित एक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री और राज्यपाल का संबोधन भी होगा। 12 बजे राष्ट्रपति वापस होटल पहुंच जाएंगे। इसी दिन शाम को 7 बजे राष्ट्रपति राजभवन जाएंगे। यहां भी शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है और राज्यपाल द्वारा डिनर दिया जाएगा। 9:30 बजे राष्ट्रपति वापस होटल सिसिल आ जाएंगे। अगले दिन 18 सितंबर को वे 11 बजे नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स में पहुंचेंगे और उनके दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। यहां राष्ट्रपति उत्कृष्ट अधिकारियों को मेडल भी वितरित करेंगे। 12 बजे वापस होटल पहुंच जाएंगे और लंच करेंगे। अपने दौरे के आखिरी दिन यानी कि 19 सितंबर को वे सुबह 11 बजे अनाडेल के लिए रवाना होंगे और 11:30 बजे हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान भरेगा। चंडीगढ़ में रुकने के बाद 1 बजे दिल्ली पहुंचने का उनका कार्यक्रम है।